हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यार बच्चों, मैं आज आप लोगों के एक वायरल पेपर बताने वाला हूँ, वो भी विज्ञान का, जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम में यही पेपर आप लोगों का 100% पूछने वाला है। कोड आप याद कर लो मेरे प्यारे बच्चों, 824 EP कोड है और इस पेपर को मैंने पूरा का पूरा सोल्यूशन कराया हुआ है। तो पूरा का पूरा वीडियो देखकर सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लोगे तो ये जो पूर्णांक 70 नंबर का है तो 70 में 70 नंबर लेकर आओगे। सबसे पहले अनुक्रमांक जरूर से भरिएगा, इसके बाद अपना नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास जो समय रहेंगे वो समय निर्धारित किया गया है, 3 घंटे 15 मिनट में इस पेपर को सॉल्व करना है। यहाँ पे नीचे सामान्य निर्देश दिया गया है जो कि पढ़ना बहुत ही जरूरी है, तभी आप पता कर पाओगे कौन से क्वेश्चन करने हैं, कितने खंडों में विभाजित है, कितने खंडों में क्वेश्चन को करना है। तो ये सामान्य निर्देश पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए मैं एक पढ़ के आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए, पहला निर्देश है कि प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, मतलब कि 15 मिनट में इस पेपर को आप पढ़ोगे और 3 घंटे में इस पेपर को आप लोगों को सॉल्व करना है। दूसरा निर्देश की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, एक तो खंड अ में, दूसरा खंड ब में विभाजित, मतलब यह पेपर 2 खंडों में बना हुआ है, एक खंड अ दूसरा खंड ब में। तीसरा निर्देश कह रहा है कि खंड अ तथा खंड ब में 3 उपखंडों, उपखंड क ख ग में विभाजित है, मतलब कि खंड जो अ है उसका भी 3 उपखंड है और खंड ब में भी इसका 3 उपखंड है। 3 उपखंड इसलिए साइंस में आता है क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के प्रश्न पूछे जाते हैं तो अलग अलग खंड करके देता है। इसके बाद देखिए चौथा निर्देश क्या है, प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। कहने का मतलब कि खंड अ में सभी बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। कितने बहुविकल्पीय प्रश्न? तो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे जिनका उत्तर आपको OMR शीट पे देना है और नीले पेन से रंगे या काले पेन से आप रंग सकते हैं, दोनों में से किसी पेन का इस्तेमाल आप कर सकते हो रंगने के लिए। पांचवा निर्देश क्या है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, मतलब खंड में जो बहुविकल्पीय प्रश्न है तो 1 बहुविकल्पीय प्रश्न 1 नंबर का है। टोटल अगर हम बात करें तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 नंबर का देगा आप लोगों को खंड अ में। इसके बाद अगला निर्देश देखिए, इसके बाद खंड ब, खंड ब में आपके वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी के लिए। अगला निर्देश देखिए, अगला निर्देश क्या है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए, मतलब हर एक प्रश्न के आगे बताया गया आप लोगों को कि ये प्रश्न 1 नंबर का है कि 4 नंबर का है कि 6 नंबर का है, हर एक प्रश्न के आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा। अगला निर्देश देखिए, खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है, प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। कहने का मतलब है कि खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न आपको करना है। अगर आप उपखंड पहला क कर ले रहे हो, ख करने जा रहे हो तो उसको नए पृष्ठ से आप प्रारंभ कीजिए। इसके बाद उपखंड ग करने जा रहे हो बायोलॉजी वाला, तो उसको नए पृष्ठ से आपको प्रारंभ करना है। देखिए बोला है यहाँ पे लास्ट पॉइंट है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, जितने प्रश्न है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। मेरे प्यारों, जो सबसे पहले आएगा खंड अ, देखो आ गया, खंड अ में आएगा बहुविकल्पीय प्रश्न, उसमें भी आएगा पहले उपखंड क, 3 उपखंड देगा ना। उपखंड क में क्या रहेंगे, फिजिक्स के क्वेश्चन, किसके क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स के क्वेश्चन रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और देखो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर का। पहला देखो क्या बोला है, पहला है कि किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है, तो किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण जो मेरे प्यारे बच्चों वो आपका अवतल दर्पण है। यह बात आपके दिमाग में पूरा चलना चाहिए, अवतल ही दर्पण है जो किसी वस्तु का बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न है कि सूर्य श्वेता प्रतीत होता है, मतलब सूर्य बिल्कुल सफेद रंग का कब प्रतीत होता है, किस समय? तो मेरे प्यारे बच्चों दोपहर के समय, दोपहर के समय सूर्य को देखिएगा बिल्कुल व्हाइट कलर का दिखेगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वही अगर हम तीसरा प्रश्न की बात करें, तीसरा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है कि किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है, वह है चालक के आकार पे, चालक के आकार पे निर्भर नहीं करता है, बाकी चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के पदार्थ के घनत्व पर भी निर्भर करता है और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, बस मात्र चालक के आकार पर निर्भर नहीं करता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। वही अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। अब बताओ गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर बराबर आपको दिया है 30 सेंटीमीटर, अब बोला है फोकस दूरी, तो एफ बराबर क्या होता है, आर बटे के 2 होता है, तो आर का वैल्यू है 30 और बटे में 2, जब कटा दोगे तब 15 सेंटीमीटर आएगा बी वाला।
बी वाला आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कितना 15 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर पांचवा क्या है कि लघु पतन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान, तो लघु पतन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान मेरे प्यारे बच्चों जो होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वही अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 मेरे प्यारे बच्चों कि किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है, मकान में 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध के दो विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग में आते हैं, तो प्रतिदिन विद्युत की खपत होगी। मेरे प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल सेट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। मैं एक पेज ले लेता हूं इसे सॉल्व करने के लिए, तभी सॉल्व होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या दिया मेरे प्यारे बच्चों? किसी मकान में 200 वोल्ट पर, अब 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है, मकान में 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध के दो विद्युत बल्ब हैं जो कि प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं, प्रतिदिन विद्युत की खपत पूछ रहा है, डब्ल्यू का वैल्यू पूछ रहा है, किसका? डब्ल्यू बराबर क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। दिया क्या है? 200 वोल्ट, मतलब वी बराबर दिया है आपको 200 वोल्ट, वी बराबर जो है वो दिया है 200 वोल्ट दिया है। इसके बाद दो बल्ब है जो कि एक 100 ओम का है, एक दूसरा जो है 200 ओम का है, तो पहले बल्ब का प्रतिरोध हम आर मान लेते हैं जिसका दिया है 100 ओम, और दूसरे बल्ब का प्रतिरोध हम R2 मान लेते हैं जो कि कितना दिया है 200 ओम दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद बोला है कि 1 घंटा प्रतिदिन जलता है, मतलब दोनों बल्ब जो है वो 1 घंटा प्रतिदिन चलते हैं, तो मतलब T बराबर 1 घंटा दिया हुआ है, और कह रहा है कि प्रतिदिन विद्युत खपत, मतलब एक दिन का विद्युत खपत पूछ रहा है कि एक दिन में कितना विद्युत खपत होगा। मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे कि दोनों पहले बल्ब का लगा देंगे कि कितना विद्युत खपत करता है, फिर दूसरे बल्ब का निकाल देंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, काम बन जाएगा हमारा। तो पहले बल्ब का निकालते हैं, तो W1 बराबर फार्मूला होता है V² R × T, तो R1 मान लो क्योंकि पहला प्रतिरोध है, ठीक है। तो पहले बल्ब का खपत निकाल लेते हैं, तो W1 बराबर क्या हो जाएगा? V का वैल्यू जो है 200 वोल्ट है, 200 वोल्ट दोनों बल्ब के लिए समान है, तो हो जाएगा आपका 200 × 200 और इंटू टी, समय कितना है 1 घंटा, और बटे में R1 वैल्यू कितना है 100 ओम है, तो यहां 100 रख लो, ठीक है। R1 का वैल्यू 100 थोड़ी है, R1 का वैल्यू कितना मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 100 ओम ही है, 100 ओम हमने रख दिया, ठीक। अब कटाओ 2 जीरो से, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो W1 बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2 × 2 = 4, कितना हो जाएगा 400, 400 वाट घंटा, 400 वाट घंटा आ गया। पहला जो बल्ब है वो इतना विद्युत आपूर्ति खर्च करता है एक दिन में। इसी तरह दूसरा में निकालू W2 बराबर, तो W2 बराबर क्या हो जाएगा? V2/R2 × T होगा, तो हो जाएगा V2 बराबर, V तो आपका समान ही रहेगा, तो 200 × 200 हो जाएगा, R2 का वैल्यू कितना है 200 ओम, तो R2 की जगह 200 ओम, और T कितना है 1 घंटा, तो कटाएंगे तो 2 जीरो से, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से 2, मतलब 200 से 200 पूरा कैंसिल, तो V2 बराबर कितना आ जाएगा 200 × 1 में करोगे तो 200 वाट घंटा गया दूसरा बल्ब खपत करता है, ठीक है। लेकिन हमें दोनों बल्ब मिलाकर बताना है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ W जो होगा, W बराबर क्या होगा? W1 + W2, तो W1 जो है खर्च करता है कितना 400 वाट घंटा, और W2 200 वाट घंटा, जोड़ेंगे तो 600 वाट घंटा जो है एक दिन में खर्च करते हैं दोनों, ठीक है, 600 वाट घंटा। अब ऑप्शन में देखेंगे 600 वाट घंटा दिया है कि नहीं, देना तो चाहिए उसको, देखो 600 वाट घंटा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना आप लोगों को? चलो सातवां प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न क्या है? सातवां मेरे प्यारे बच्चों की दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, तो दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब जो मेरे प्यारे बच्चों बनता है वो कहां बनता है? रेटिना के पीछे बनता है, कहां पे? रेटिना के पीछे। अगर यह निकट दृष्टि दोष रहता है तो रेटिना के आगे हो जाता है, तो दोनों प्रश्न दिमाग में छपना, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे, और निकट दृष्टि दोष रहता है तो रेटिना के आगे हो जाता है, ठीक है। चलो अब उपखंड ख आ गया, उपखंड ख में मेरे प्यारे बच्चों इसमें केमिस्ट्री के प्रश्न रहेंगे, किसके? केमिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 8वां से कि जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनाते हैं उन्हें कहा जाता है, तो आयनों के विनिमय से जो नए यौगिक बनते हैं वो होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें सोचने वाली बात कुछ है ही नहीं, आयनों के आदान प्रदान से जो नए पदार्थ बनते हैं वो द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 9 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मीठे सोडे या खाने सोडे का अणु सूत्र है, अब खाने वाले सोडे का अणु सूत्र NaHCO3, बात खत्म करो,
NaHCO3, तो बहुत बार मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। दसवां प्रश्न किया है कि सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाए जाने वाली अधातु है, तो सामान्य तापक्रम तथा दाब में दोनों के रूप में द्रव के रूप में पाए जाने वाली इन चारों में से कौन सी धातु है? ब्रोमीन है। क्या है? ब्रोमीन है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वही 11 प्रश्न है, प्रोपेनल है, तो प्रोपेनल मेरे प्यारे बच्चों इसमें से जो है वो है आपका C3H6O। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रोपेनल है, इसको भूलना मत, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। 12वां प्रश्न देखो क्या है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल होता है मेरे प्यारे बच्चों। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, इस पे क्लिक कर लो, एथेनोइक अम्ल। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 13 क्या है, देखो, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है, इस तत्व का नाम बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों कोई अगर भूरे रंग का चमकदार तत्व है, अगर वायु के रूप में उसको गर्म करे तो वह काला हो जाता है, तो वह कौन सा तत्व होगा मेरे प्यारे बच्चों? वह कापर होगा, क्योंकि कापर को जलाकर देख लेना भूरे रंग का, उसमें परत, कोई कापर लेना, कापर का तार जलाना, देखना भूरे रंग का चमकदार तत्व उसपे उसपे परत जम जाता है, तो कौन सा है तत्व? कापर है। 13 का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों आ गया उपखंड ग। आप देखो उपखंड ग में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आप बायो के प्रश्न आएंगे, किसके? बायोलॉजी के प्रश्न आएंगे, और प्रश्न नंबर 14 से स्टार्ट होगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनके लिए क्या आवश्यक है? पहला कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल आवश्यक है, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, मतलब उपयुक्त सभी। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15। मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो किस अंग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है? गर्भाशय में, बात आपको भी मालूम है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 15 का सी। आगे बढ़ेंगे, 16वां प्रश्न देखेंगे कि मेंडल के अनुसार मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने व झुर्रीदार बीजों के लक्षण को व्यक्त करेगा मेरे प्यारे बच्चों? वो है आपका कैपिटल टीटी स्मॉल आर आर, कैपिटल टीटी स्मॉल आर आर। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17वां देखो, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? अंडाशय। अंडाशय जो निषेचन के बाद किसमें बदल जाता है? फल में बदल जाता है। 17 का सी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। 18वां प्रश्न देखो, एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्यतः रक्तदाब होता है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्यतः रक्तदाब जो मेरे प्यारे बच्चों होता है वो 120/80 होता है। कितना है? 120/80 होता है। बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न देखो क्या है, कूपिका जिसे वायु कोष्ठिका बोलते हैं, कूपिका पाई जाती है, देखो कूपिका पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों तो फेफड़ों में, कहां पे? फेफड़ों में पाई जाती है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे 20वां कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो पादप में जाइलम उत्तरदायी मेरे प्यारे बच्चों, तो जाइलम तो जल का वहन करने में उत्तरदायी है। एक आपको पूछा जाता है फ्लोएम, कभी कभी पूछ लेता है फ्लोएम कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी, तो फ्लोएम पूछे तो भोजन का वहन में हो जाता है वो, लेकिन जाइलम पूछा है तो जल का वहन में। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो 20 नंबर खत्म हो गए। अब यहां से खंड ब आता है, वर्णात्मक प्रश्न है, इसमें आपके सबसे पहले उपखंड क रहेगा, और कितने नंबर के रहेंगे खंड ब? 50 नंबर का। पहला प्रश्न देखो खंड अ में, जो कि फिजिक्स के रहेंगे, पहला प्रश्न है, एक 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, प्रकृति एवं आकार ज्ञात करना है, और किरण आरेख भी खींचना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न कितने नंबर के लिए आएगा आपके एग्जाम में? 4 नंबर के लिए। चलो देखो इस प्रश्न को कैसे लगाओगे। सबसे पहले बोला है कि एक 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु, ठीक है, तो वस्तु की लंबाई दिया है, तो वस्तु की लंबाई को हम बोलते हैं H1। H1 बराबर कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर वस्तु की लंबाई दिया है, ठीक है। इसके बाद बोला है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकस दूरी F से डिनोट करते हैं 40 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे क्या है? उत्तल लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस है, इसलिए प्लस में रहेगा 40 सेंटीमीटर। इसके बाद बोला है कि 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, एक वस्तु जो है 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, मतलब U बराबर आपको दिया है 20 सेंटीमीटर, लेकिन वस्तु की दूरी जो होता है हमेशा माइनस में होता है, तो U बराबर -20 सेंटीमीटर होगा, इतना तो आपको मालूम है। इसके बाद बोला है कि लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब V का वैल्यू बताइए, ठीक है। इसके बाद प्रकृति एवं आकार पूछा है, तो आकार के लिए H2 का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, और प्रकृति के लिए हमें M का वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा, आवर्धन,
ठीक है, इतना याद करके तब हमको ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होता नजर आएगा। देखिए करेंगे क्या, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको लगाना है लेंस सूत्र। क्या लगाएंगे? लेंस सूत्र, बहुत सिंपल है, चार नंबर आप आसानी से ले जाओगे इसको। लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या कहता है कि वन बटे एफ बराबर वन बटे वी माइनस के वन अपान के यू, ये होता है आपका लेंस सूत्र। अब बस वैल्यू रख दो, एक बटे एफ, एफ का वैल्यू कितना है 40, बराबर वन बटे वी का वैल्यू ज्ञात करना है माइनस वन बटे यू का वैल्यू कितना है माइनस के 20। इसके बाद हो जाएगा यहां पे एक बटे के 40 बराबर वन बटे के वी, यह माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो हो जाएगा एक बटे के 20। अब क्या करेंगे हम, एक बटे के 40 और प्लस एक बटे 20 इधर आएगा तो माइनस एक बटे क्या हो जाएगा 20 बराबर वन बटे के वी। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 40, 40 से कम 40 और 20 दूनी के 40 बराबर वन बटे वी। तो एक माइनस दो माइनस एक, माइनस एक बटे कितना हो जाएगा 40 बराबर वन बटे के वी। हमें वी ज्ञात करना है तो वी को ऊपर कर दो, अरे 40 ऊपर चला जाएगा तो माइनस के 40 हो जाएगा, तो वी बराबर कितना आ गया माइनस 40 सेंटीमीटर। तो माइनस 40 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है, जिधर वस्तु रखी गई है उसी साइड। और H2 ज्ञात करना है हमें, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, तो एक फार्मूला होता है मेरे प्यार बच्चों, M बराबर V अपान के U बराबर H2 बटे H1, ये फार्मूला होता है। तो यहां से आप निकाल लो, तो यहां से हो जाएगा V का वैल्यू कितना है माइनस 40 और बटे U का वैल्यू कितना था माइनस 20 बराबर H2 का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, H1 का वैल्यू दिया है आगे से देखो, H1 बराबर यहां दिया है ना 5 सेंटीमीटर, तो रख लो 5, माइनस माइनस कैंसिल 20 दूनी के 40, तो 2 बराबर H2 बटे कितना आ गया 5, अब 5 का गुणा हो जाएगा तो 5 दूनी के 10 बराबर H2। H2 क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना आ गया 10 सेंटीमीटर और वस्तु की ऊंचाई कितना था 5 सेंटीमीटर, मतलब वस्तु से बड़ा बना, मतलब लंबा बना, लंबा बना और कैसा बना आपका सीधा बना, प्लस में तो सीधा बना, तो लंबा बना और सीधा बना और कैसा बना आभासी बना, आभासी। बस हो गया, प्रकृति भी हमने ज्ञात कर लिया और प्रतिबिंब की हमने यहाँ पे ऊंचाई भी ज्ञात कर लिया और प्रतिबिंब कितना दूरी पे बनेगा वो भी हमने ज्ञात कर लिया। अब जाके आप लोगों का चार नंबर मिलेगा, लेकिन इसमें एक चीज और बोला है, किरण आरेख भी खींचिए, बोला है ना किरण आरेख भी खींचिए। चलिए देखिए, यह है किरण आरेख, खींच लीजिए आप लोग, यह पूरा का पूरा आप लोगों का क्या है किरण आरेख है, दिख रहा है आप लोगों को, यह लेंस है और यहां पे वस्तु रखी गई है, देखो इसका प्रतिबिंब यहां बन रहा है 40 सेंटीमीटर दूरी बन रहा है, तो चित्र का स्क्रीनशॉट ले लो, बना लेना, चित्र बनाना पड़ेगा नहीं तो दो नंबर कट जाएगा, चित्र बोला है तो चित्र बनाना पड़ेगा आप लोगों को, नोट कर लिया आपने चित्र। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला है दूसरा प्रश्न कि किसी सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल के कॉक स्क्रू का नियम को परिभाषित कीजिए, ठीक है, क्या बोला है कॉक स्क्रू के नियम को परिभाषित कीजिए, इसी को यहां पर नोट कर लेना, इसी को हम लोग मैक्सवेल के दक्षिणा पेंच का नियम भी बोलते हैं, यहां पर नोट कर लेना, भूलना मत क्योंकि एग्जाम में मैक्सवेल भी दे देता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मैक्सवेल के दक्षिणा पेच का नियम, दक्षिणा जहां नोट बनाइएगा वहां पे लिख लीजिएगा दक्षिणा पेंच का नियम, दोनों प्रश्न पूछेगा आंसर आपको एक ही लिखना है, ठीक है, मैक्सवेल के दक्षिणा पेंच का नियम, मैं छोटा कर देता हूं ताकि दिखे आप लोगों को, मैक्सवेल के दक्षिणा पेंच का नियम पूछे या तो किसी सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल के कॉक स्क्रू नियम को परिभाषित करिए पूछे, दोनों में आपको आंसर सेम ही देना है, ठीक है। चलो आंसर कैसे लिखोगे देखो, यह आंसर है, यदि हम पेच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर, देखो इस हाथ में पकड़कर इस तरह पेचकस हम लोग कसते हैं, देखो जिस तरह मैं नचा रहा हूं, कह रहा है यदि हम पेच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाए कि पेच का नोक धारा के बहने की दिशा में चले, ये जो नोक है धारा की बहने की दिशा में इस तरह चल रही है, इस तरह जिस दिशा में पेच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है, देखो अंगूठा किधर घूम रहा है,
इसी तरह घूमता है ना, तो कह रहा है कि पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी, मतलब तो जिस साइड अंगूठा घूमेगा वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। चित्र में, अभी मैं चित्र दिखाता हूँ, चित्र में एक तार में विद्युत धारा नीचे की ऊपर की ओर बह रही है, पेंच की नोक को ऊपर की ओर चलाने के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे को वामावर्त दिशा में, वामावर्त दिशा मतलब ऊपर से देखने पर चलाना पड़ेगा, यही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। ठीक है, देखो ये चित्र बना लेना, समझ में आ जाएगा, मैं बड़ा कर देता हूँ, दिख रहा है आप लोगों को? ये देखो, यह धारा है, यह तार है, यह चुंबकीय बल रेखाएं हैं, पेज को उसको इस तरह पकड़ा हुआ, इस तरह नचा रहा है। ठीक है, बाकी नियम आप लोगों का यही है जो मैं अभी तक बोला हूं। ठीक है, यहां तक आप इसको नोट कर लो। तो यही आप लोगों के दक्षिणा पेंच का नियम बोलेगा, ठीक है, तो यही आपको उत्तर देना है, मैक्सवेल के दक्षिणा पेंच का नियम। या तो आपको प्रश्न में इस प्रकार बोलेगा कि किसी सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल के कॉक स्क्रू नियम को परिभाषित कीजिए, दोनों एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा, 4 नंबर के लिए एग्जाम में आएगा और पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। इसके बाद देखो तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा है निम्न चित्र में, अभी मैं चित्र दिखाता हूँ, कह रहा है कि निम्न चित्र में, चित्र बना हुआ आएगा आपके एग्जाम में, कह रहा है कि निम्न चित्र में प्रतिरोध R1 बराबर 15 ओम, R2 बराबर 10 ओम, R3 बराबर 30 ओम, R4 बराबर 5 ओम, R5 बराबर 20 ओम, वो बैटरी जो है 18 वोल्ट की है, इस परिपथ में तुल्य प्रतिरोध व विद्युत धारा की गणना कीजिए, और ये प्रश्न 4 नंबर के लिए बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चित्र कौन सा रहेगा, मैं चित्र दिखाता हूँ आपकी एग्जाम मतलब पेपर में चित्र बना हुआ आएगा। ठीक है, यही चित्र बना रहेगा, यह चित्र है, ठीक है, यही चित्र है। देखो यहाँ पे R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, और इधर R4, R5 जुड़ा हुआ है, कितना 18 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये कुंजी लगा हुआ है, एम्पियर लगा हुआ है धारा नापने के लिए। इसके बाद ये आपके एग्जाम में चित्र बना रहेगा, और प्रश्न में क्या दिया है आपको, मैं यहाँ वैल्यू एक बार लिख लेता हूँ हल करने के लिए। R1 बराबर कितना दिया है, 15 ओम, और R2 बराबर कितना दिया हुआ है, 10 ओम, R3 बराबर कितना दिया हुआ है, 30 ओम, और R4 बराबर कितना दिया है, 5 ओम, और इधर आपका R5 बराबर दिया हुआ है 20 ओम। ठीक है, और 18 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, V बराबर 18 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे है। पूछा क्या है कि इस परिपथ में तुल्य प्रतिरोध, R का वैल्यू टोटल प्रतिरोध पूछा है, और विद्युत धारा की गणना, I की गणना कीजिए, ये दो चीज पूछा हुआ है, और इतना चीज दिया हुआ है। अब देखो चित्र आपके पास है ही, इसी चित्र की मदद से हम लोग हल करेंगे। देखो कैसे हल करेंगे इसको, मैं छोटा करता हूं ताकि दिखे आप लोगों को अच्छे से, दिख रहा है आप लोगों को चित्र ना? देखो देखो, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, देखो R1, R2, R3 ये जो तीनों प्रतिरोध आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, किस क्रम में जुड़े हुए हैं, पार्श्व क्रम में जुड़े हुए, तो पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। पहले इन तीनों को हल करेंगे, तो इन तीनों को हल करने के लिए जब तीन प्रतिरोध पार्श्व क्रम में जुड़े हों तो हम लोग प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/R' बराबर 1/R1, तीन प्रतिरोध था ना, तो एक को R1 मान लेते हैं, एक को R2 मान लेते हैं, और एक को R3 मान लेते हैं, और तीन प्रतिरोध दिया भी है, R1, R2, R3। चलो अब यहां से तुल्य प्रतिरोध निकाल देते हैं, कब, ये तीन जो प्रतिरोध यहाँ पे लिख लेना है कि R1 कामा R2 कामा R3, ये तीनों प्रतिरोध पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं, पार्श्व क्रम में जुड़े हैं, इसलिए तुल्य प्रतिरोध बराबर, ये फॉर्मूला लगाना है, फिर लिखना है 1/R' बराबर 1/ R1 की वैल्यू कितना दिया है जी, तो R1 की वैल्यू यहाँ पे 15 ओम, R2 की 10 ओम, R3 की 30 ओम। चलो मैं मान रख देता हूँ, R1 बराबर 15, R2 बराबर 10, R3 बराबर 30। अब इसको जब हल करेंगे तो 1/R' बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 15, 10 और 30 का एलसीएम कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 30 होगा, तो 15 × 30, 10 × 30, 10 × 30 = 30, एक बार जाएगा, तो 1/R' बराबर 3 × 5 = 6 कितना जाएगा, 30। आर डैश को मैं ऊपर कर देता हूं तो 30 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, काट दूंगा तो R' बराबर कितना जाएगा, 5 ओम।
तो ये 5 ओम आ गया आर डैश बराबर। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे हम लोग, चित्र देखो, इन तीनों का हल किया तो आर डैश बराबर कितना गया 5 ओम। अब देखो आर फोर और आर फाइव ये किस क्रम में है, तो ये भी पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, किस क्रम में जुड़े हुए हैं, पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं। अब इनको हल करेंगे आर फोर और आर फाइव को। ठीक है, तो चलो नीचे से लिखेंगे कि आर फोर व आर फाइव किस क्रम में जुड़े हैं, पार्श्व क्रम में। तो पार्श्व क्रम में जुड़े हैं तो इसलिए 1/ आर डैश, उसको हमने आर डैश माना था तो इसको आर डैश मान लेता हूं, बराबर 1/ आर फोर प्लस 1/ आर फाइव। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 1/ आर डैश डैश बराबर 1/ आर फोर की वैल्यू कितना दिया है, तो आर फोर की वैल्यू दिया है 5 ओम और आर फाइव की दिया है 20 ओम। जब इसको हल करेंगे तो 1/ आर डैश डैश बराबर कितना जाएगा 20 एलसीएम, 5 × 20, 20 एकम 20। तो 1/ आर डैश डैश बराबर हो जाएगा 4 × 5/20। हमें तो आर डैश की वैल्यू निकालना है तो आर डैश को ऊपर कर दो, तो आर डैश ऊपर हो जाएगा तो इधर 20 भी ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा, तो 5 × 20 तो आर डैश बराबर कितना जाएगा 4 ओम। ठीक है, तो आर डैश बराबर 4 ओम आ गया। अब देखो जब इन तीनों को मैंने हल किया तो आया आर डैश और आर डैश की वैल्यू कितना था 5 ओम आया। जब इन दोनों को हमने हल किया तो यहाँ पे आर डैश आया जो कि वैल्यू कितना था 4 ओम। अब देखो ये आपका 5 ओम सिर्फ एक लाइन में बच गया, इधर नीचे आया तो एक लाइन में बच गया 4 ओम। अब ये आर डैश और आर डैश किस क्रम में हो गए, तो श्रेणी क्रम में हो गए। अब इनको हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो चलो वहां पे कुल प्रतिरोध क्या होगा, क्योंकि दो ही प्रतिरोध बच गया ना, तो कुल प्रतिरोध बराबर टोटल प्रतिरोध क्या होगा, आर डैश प्लस आर डैश, क्योंकि समांतर क्रम श्रेणी क्रम में यही तो श्री चलता है, आर डैश प्लस आर डैश। तो आर डैश का वैल्यू कितना आया था 5 ओम और आर डैश का कितना आया था 4 ओम, तो टोटल कितना आ गया 9 ओम। कुल प्रतिरोध जो कि आर है, कुल प्रतिरोध कितना आ गया 9 ओम आ गया। कुल प्रतिरोध मालूम चल गया कितना आ गया 9 ओम। अब देखो दो ही चीज हमसे पूछा था कुल प्रतिरोध, ठीक है मैं दिखा देता हूं क्या क्या पूछा था। पूछा था कुल प्रतिरोध आर का वैल्यू जो कि 9 ओम आ गया, बिल्कुल सही, और धारा कुल धारा बताइए, तो धारा का फॉर्मूला क्या होता है आई बराबर, ठीक है परिपथ में धारा पूछा है ना, तो यहां पे लिख देते हैं परिपथ में धारा, तो परिपथ में धारा, धारा को किससे डिनोट करते हैं आई से, आई बराबर क्या होता है वी अपान के आर, मतलब कुल विभवांतर बटे में कुल प्रतिरोध। तो विभवांतर कितना था 18 वोल्ट दिया था उसमें, V बराबर 18 वोल्ट और R टोटल वैल्यू कितना आया है 9, तो 9 × 18 I बराबर 2 और धारा निकाल रहे हो तो एम्पियर होगा इसका मात्रक 2 एम्पियर टोटल धारा आ गया और कुल प्रतिरोध 9 ओम आ गया। अब पूरे के पूरे नंबर आपको दे दिए जाएंगे, पूरा बताया कि नहीं सलूशन, एक भी पॉइंट छोड़ रहा हूं नहीं। मैं जानता हूं ये प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में और करना ही पड़ेगा इस पेपर को 70 में 70 नंबर आप लोगों को। इसके बाद देखिए आगे प्रश्न नंबर 4, नामांकित चित्र की सहायता से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। ठीक है, तो अब चित्र बनाना है और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी लिखना है और ये प्रश्न 6 नंबर के लिए, समझ रहे हो, ये प्रश्न कितने नंबर के, 6 नंबर का। चलो उत्तर लिखो, इसका लिखोगे किसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, देखो ये दक्षिण हस्त नियम है, जिधर घूम रहा है ये धारा बह रही है इधर साइड, ये आपका जिस साइड इस तरह नाच रहा है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा है। इसके बाद इसके नीचे लिखोगे इस नियम के अनुसार यदि धारावाही चालक को दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को निर्देशित करे तो चालक को पकड़ने वाली अंगुलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ठीक है, यहां तक नोट कर लो। नोट करने के बाद दूसरा पॉइंट लिखोगे इसमें कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल की दिशा फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से ज्ञात की जाती है। देखो इस तरह फैला लो, यही अंगूठा है ना, ये जो अंगूठा है चालक पर लगने वाले बल को दिखाता है और यह जो ये वाला आपका हाथ है यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है और ये जो आपका है यह आपके विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है।
ये चित्र बनाना है आप लोगों को। इसके बाद नीचे लिखना है, इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ की प्रथम तीन अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार रखा जाए कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को एवं मध्यम धारा की दिशा को, जो मध्यम उंगली है वह धारा की दिशा को और अंगूठा जो है, अंगूठे की दिशा जो है चालक पर आरोपित बल की दिशा को दर्शाती है, वही चीज जो चित्र में बनाया हूं, ठीक है, को दर्शाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं दक्षिण हस्त नियम, ठीक है। यहां तक आप लोग नोट कर लो, कितना सिंपल से मैंने चित्र वाइज आप लोगों के लिए लिखाया है कि एक भी टॉपिक आप लोगों का छूटे नहीं, चित्र बना लेना। इसके बाद अगर ये प्रश्न नहीं कर पाते हो तो अथवा करके एक प्रश्न और दिया हुआ है कि किसी प्रिज्म श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को स्पष्ट कीजिए, मतलब स्पष्ट करना वो भी रेखा चित्र बनाकर करना है कि वर्ण विक्षेपण को दर्शाना है कि जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से जाती है तो वर्ण विक्षेपण कितने रंगों में विभाजित होती है, चित्र द्वारा बताना है। चलो तो ये भी अथवा वाला भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, अथवा वाला देखो, प्रकाश का विक्षेपण जब सूर्य के प्रकाश की संकीर्ण प्रकाश पुंज को प्रिज्म के एक फलक पर डाला जाता है तो प्रिज्म के दूसरे पटल या फलक से निर्गत प्रकाश सात रंगों में विभाजित हो जाता है, इतना तो मालूम है आप लोगों को, तथा इसे पर्दे पर लेने पर सात रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है। प्रकाश का इस प्रकार सात रंगों में विभाजित होना प्रकाश का विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो वर्ण विक्षेपण समझ आ गया, प्रकाश के विक्षेपण के दौरान पर्दे पर प्राप्त विशेष क्रम में सात रंगों की पट्टी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसका अर्थ है रंगों का मिश्रण। लेकिन इतना काम नहीं बनेगा, उसमें चित्र भी बोला है तो चित्र में बनाना पड़ेगा। देखो ये सूर्य का प्रकाश है, यहां जा रहा है प्रिज्म से टकरा रहा है, तो यहाँ पे देखो परावर्तित होकर सात रंगों में विभाजित हो गया ये पर्दा है आपका, एक लाल में, दूसरा नारंगी, फिर पीला, फिर हरा, फिर नीला, फिर जामुनी, फिर बैगनी। सबसे अधिक विचलन होता है बैगनी रंग का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, सबसे कम होता है लाल रंग का। इसके नीचे आप लिखोगे कि श्वेत प्रकाश के विक्षेपण के दौरान प्राप्त सात रंगों में एक क्रम होता है जो इस प्रकार है, नीचे से ऊपर की ओर बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। इन रंगों के क्रम को याद रखने के लिए हम लोग विबग्योर को याद रखें, ठीक है, यह याद करने की ट्रिक है विबग्योर से, जो इन रंगों के अंग्रेजी भाषा के शब्दों के पहले अक्षर से बना है। परिक्षेपण का कारण यह है कि विभिन्न रंगों का प्रकाश का अपवर्तन भिन्न भिन्न होता है और बैंगनी प्रकाश का अपवर्तन विचलन सबसे अधिक होता है। मैंने बताया ना कि बैंगनी का सबसे अधिक होता है और लाल प्रकाश का अपवर्तन विचलन क्या होता है, सबसे कम, और इसी कारण बैंगनी रंग स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे और लाल रंग स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर प्राप्त होता है। कितना हमने विश्लेषण बहुत अच्छे तरीके से इसमें एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है ताकि आपको एक एक वर्ड आपको समझ में आ जाएगा, ताकि एग्जाम में आप 70 में 70 नंबर लेकर आओ। आप देखो उपखंड ख स्टार्ट हो गया, ठीक है, अब उपखंड ख मतलब प्रश्न नंबर 5। अब यहाँ पे आपके सिर्फ केमिस्ट्री के प्रश्न दिखेंगे, कह रहा निम्नलिखित को उदाहरण द्वारा समझाइए, 4 नंबर का है। पहला कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है, दूसरा उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, 2 नंबर इसमें मिलेगा, 2 नंबर इसमें मिलेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है, इसके बाद उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे। चलो देखो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है, पहला है कि हमारा शरीर 7 से लेकर 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। मिट्टी की पीएच प्रकृति अम्लीय हो तो फसल के लिए क्या होती है, अनुकूल नहीं होती है, ठीक है। मिट्टी का अगर पीएच प्रकृति अगर अम्ल पाया जाए मिट्टी में तो वो फसल के लिए अनुकूल नहीं होती है। तीसरा है कि हमारे उदर में पेट में अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि HCl होता है, जो उदर को हानि पहुंचाए बिना पाचन में सहायक करता है, समझ लो HCl इतना खतरनाक है अम्ल जो हमारे पेट में भी होता है और बिना हानि पहुंचाता है और पाचक में सहायक भी होता है, जो लोग हम लोग खाना डाइजेस्ट करते हैं। इसके बाद चौथा है कि यदि मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय हो जाता है, मतलब दांत सड़ने लगते हैं, दांतों का क्षरण होना चालू हो जाता है। अगर मुंह का पीएच मान कितना कम हो जाए, 5.5 से कम हो तब, ठीक है। इसके बाद देखो 2 नंबर आपको मिल जाएगा इसमें। इसके बाद उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ये भी 2 नंबर का है। देखो उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किस कहते हैं, सबसे पहले आप हेडिंग डालो उष्माक्षेपी अभिक्रिया, लिखो जिस रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्पादों के साथ उष्मा भी निकलती है उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। मतलब कि अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है और उत्पाद के साथ उष्मा निकले तो समझ लो कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया है CH4 मिथेन,
उसमें हमने ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराया जो कि CO2 प्राप्त हुआ और जल प्राप्त हुआ, और उसके साथ देखो उष्मा भी निकल रहा है। तो उत्पाद के साथ उष्मा निकल रहा है ना, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कराएगा, दो नंबर आपको मिल गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है, बहुत इंपोर्टेंट है कि निम्न पर टिप्पणी दीजिए, दो नंबर का है, दो दो नंबर का। यस दलेपन क्या होता है, दो नंबर, और क्या होता है जब सोडियम धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कराती है, तो दो नंबर इसमें मिलेगा। तो पहले हम लोग एस दलेपन जानते हैं कि एस दलेपन किसे कहते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला एस दलेपन हेडिंग डालो और उत्तर में लिखना कि लोहे और इस्पात को सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते मतलब जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को संलेदन कहते हैं। यस दलेपन मतलब समझते हो, जो आप लोगों का लोहा और इस्पात का जो, जैसे लोहा आपका साइकिल है तो उसमें अगर मैं जिंक की परत लोहे पर चढ़ा दूंगा तो समझ लो कि वो क्षरण होने से बच जाएगा, उसी को हम लोग एस दलेपन कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। चलो इसके बाद है क्या होता है जब सोडियम धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कराती है। देखो जब सोडियम धातु इतनी तेजी से पानी से अभिक्रिया करता है तो उत्पन्न हाइड्रोजन आग पकड़ लेती है, मतलब उसमें से आग निकलने लगता है, उष्मा निकलने लगता है। जैसे एग्जांपल में देखो सोडियम है सॉलिड के रूप में, उसमें जल मिनरल मिला दिया लिक्विड, उस सोडियम ऑक्साइड बना दिया एक्वेस के फॉर्म में, और देखो हाइड्रोजन और इसमें से उष्मा भी निकल रहा है। बस दो नंबर मिल गया, यहाँ से चेक करके एग्जाम में दो नंबर दे देगा पूरा आप लोगों को। इसके बाद सातवां प्रश्न देखो क्या है, सातवां है क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, डेढ़ डेढ़ नंबर के प्रश्न है, चार प्रश्न छह नंबर का है। पहला है कि चूने के पानी में देर तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। अगर चूने के पानी में बहुत देर तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर हम प्रवाहित करें तो क्या होगा। देखो चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड जब चूने में प्रवाहित करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जल बन जाता है। बस रासायनिक समीकरण लिखना था, आपको डेढ़ नंबर मिल गया। इसके बाद देखो क्या है ख वाला कि शुष्क मतलब बूझे चूने की अभिक्रिया अगर हम शुष्क क्लोरीन गैस से कराई जाती है तो क्लोरीन गैस से अगर हम बूझे चूने की अभिक्रिया कराएं तो क्या होगा। तो देखो क्या होगा कि जब सूखे बूझे चूने को क्लोरीन गैस से अभिक्रिया की जाती है तो यह ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। क्या बनाता है, ब्लीचिंग पाउडर। देखो सूखा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका हमने क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कराया तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाया जो कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है, और साथ क्या बनाएगा, जल बनाएगा। लो है डेढ़ नंबर इसमें भी आप लोगों को मिल गया। इसके बाद है कि जिप्सम को गर्म किया जाता है, जिप्सम को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो क्या होगा। देखो क्या होता है कि जब जिप्सम को अगर हम लोग 373 केल्विन पर अगर गर्म कर देंगे तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लेता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखो CaSO4 2H2O, ये क्या आपका जिप्सम, अगर इसे मैं 373 केल्विन ताप पे अगर मैं गर्म कर दूं तो देखो यह CaSO4 और हाफ H2O बना देगा जो कि किसका सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। लो इसमें भी आप लोगों को डेढ़ नंबर मिल गए। इसके बाद है घ वाला कि सोडियम धातु की जल से अभिक्रिया कराई जाती है, अगर हम सोडियम धातु को अगर जल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा। देखो सोडियम धातु के अगर जल के साथ क्रिया कराएंगे तो सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करके क्या बना देगा, तुरंत सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस बना देगा। रिएक्शन देख लो, सोडियम है जल है, जब आपस में अभिक्रिया करा रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। क्लियर है ना। चलो अगर यह नहीं चारों कर पाओगे तो अथवा करके एक ऑप्शन और दिया है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, छह नंबर के लिए भर्जन बताओ दो नंबर, उभय अपघटन बताओ दो नंबर, संक्षारण बताओ दो नंबर। ठीक है, तो मैं तीनों आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले भर्जन क्या होता है। देखो भर्जन क्या होता है कि वह क्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है तो भर्जन कहलाता है। वह क्रिया जिसमें अयस्क को उसके वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे अगर हम गर्म करेंगे तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, आपकी भर्जन कहलाती है। ठीक है, इसके बाद उभय अपघटन क्या है, उभय अपघटन क्या होता है। देखो उभय अपघटन क्या होता है कि जिन अभिक्रियाओं में यौगिकों के आयनों अथवा अन्य घटकों की अदला बदला होती है उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देख लो आयनों का आदान प्रदान होता है, जैसे AgNO3 NaCl के साथ अभिक्रिया करा रहा हूं तो इसका Ag इसका Cl मतलब Ag प्लस इसका क्लोरीन माइनस, दोनों आयन आपस में मिलकर AgCl बना दिया, और इसका NO3 और इसका Na प्लस, इसका Na प्लस इसका NO3 माइनस, दोनों आपस में मिलकर NaNO3 बना दिया, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है इसलिए उभय अपघटन। और संक्षारण तो आप लोग जानते हो। ठीक है, संक्षारण में क्या बताना है,
संक्षारण कि जब कोई भी धातु चाहे इस्पात लोहा है वायु की उपस्थिति में आ जाता है तो धीरे धीरे क्षरण होने लगता है जो कि संक्षारण कहलाता है। बस बात खत्म। अब उपखंड ग आ गया। उपखंड ग में प्रश्न नंबर 8वां पहला प्रश्न है इसमें, 8वां पहला, पादप में जाइलम का प्रमुख कार्य लिखिए। 1 नंबर का, तो भाई पादप में जाइलम का कार्य क्या होता है? जल का वहन करना। लो 1 नंबर मिल गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा है कि शरीर के किस अंग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है? तो शरीर के किस अंग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है? गर्भाशय में किया जाता है। लो 1 नंबर मिल गया, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखो इसमें क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ है तीसरा, मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था? मटर पे तो किया था। लो आंसर लिख लो, मटर। 1 नंबर इसका भी मिल गया आप लोगों को। इसके बाद है समजात अंगों के उदाहरण दीजिए। समजात अंग क्या होते हैं? देखो पहली बात तो समजात अंग जानो क्या होता है कि विभिन्न जीवों में ऐसे अंग जिनकी समान आधारभूत संरचना होती है, मतलब समान आधारभूत की संरचना होगी परंतु कार्य उन सबके अलग अलग होंगे, जैसे समजात अंग कहलाते हैं वो। जैसे आपका मेढक हुआ, पक्षी हुआ, मनुष्य, ये तीनों के आकार जो है अलग अलग, कार्य भी अलग अलग होंगे, मतलब संरचना आधारभूत समान ही होती है। मेढक पक्षी उनमें हृदय होता है, सोचने की क्षमता होती है, सब कुछ चीजें होती है, लेकिन कार्य अलग अलग होता है, यह समझात अंग कहलाते हैं। क्लियर हो गया। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 4 नंबर का है कि मनुष्य के दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। 4 नंबर के लिए प्रश्न है। देखो कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे हम लोग 9 वाला, हृदय 2 भागों में बटा होता है, इसका दाया और बाया भाग ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को आपस में मिलने से रोकने में उपयोगी सिद्ध होता है। इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षिणापूर्व ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। जब एक ही चक्र में रुधिर दोबारा हृदय में आता है तो उसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं, और इसे इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि ऑक्सीजन को प्राप्त कर रुधिर फुफ्फुस में आता है और इस रुधिर को प्राप्त करते समय बाएं अलिंद हृदय में बाएं की ओर स्थित कोष्ठ, बाया अलिंद जो होता है शिथिल रहता है, और जब बाया नीले फैलता है तब यह संकुचित होता है, और जिससे रुधिर इसमें चला आता है, और अपनी बारी पर जब पेशियां बाया नीले संकुचित होता है तब वो रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है। बस दोहरा परिसंचरण भी यहाँ पे नोट कर लो, हो गया। 4 नंबर का प्रश्न था। 10वां, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला बात की प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बताइए। 2 नंबर, पुनरुद्भवन जिसे पुनर्जन्म भी बोलते हैं। 2 नंबर, ठीक है। चलो देखते हैं दोनों। पहली बात की प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण जानेंगे। देखो प्राकृतिक संसाधन विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन इन्हें बड़े पैमानों पर नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों के कुछ उदाहरण सूरज की रोशनी, पानी, हवा, लकड़ी और मिट्टी है, जबकि इनमें से कुछ प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में बहुतायत में उपलब्ध है और इन्हें तेजी से फिर से बनाया जा सकता है ताकि अन्य लोगों को नवीकृत होने में समय लगे। कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों के कुछ उदाहरण हैं। हालांकि पर्यावरण में स्वाभाविक रूप से उपलब्ध हैं, इन प्राकृतिक संसाधनों को फिर से भरने या रिसाइकल करने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, ठीक है। तो यह था आप लोगों का प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। दूसरा है पुनरुद्भवन। देखो पुनरुद्भवन क्या होता है कि पुनर्जनन जीव के शरीर के उन हिस्सों में एक संपूर्ण जीव का विकास है जो किसी चोट के दौरान गलती से कटा जाते हैं, और यह प्रक्रिया तारा मछली, हाइड्रा, प्लेनेरिया, छिपकली आदि जीवों में पाया जाता है। मतलब कि क्या होता है, तारा मछली, हाइड्रा के कुछ भाग कट जाते हैं, जब वो कट जाते हैं ना तो छोटा सा भाग भी आगे चलकर एक पूर्ण रूप ले लेता है जिसे हम लोग पुनरुद्भवन बोलते हैं, ठीक है। चलो 11वां प्रश्न देखो क्या है। मानव के मादा जनन तंत्र का वर्णन करो, ठीक है। सचित्र वर्णन करना है, 6 नंबर का है, चित्र बनाकर वर्णन करना है। चलो तो मनुष्य के मादा जनन तंत्र का निम्नलिखित भाग है, अभी मैं चित्र भी दिखाऊंगा कौन कौन से भाग है। सबसे पहले आता है अंडाशय, 6 नंबर का भाई नोट कर लो, ये तो आएगा एग्जाम में। पहली बात अंडाशय, श्रोणीय गुहिका में 2 अंडाशय होते हैं जो बहुत छोटे आकार के होते हैं। अंडाशय में अंडे बनते हैं। अंडाशय के अंदर की सतह पर एपिथिलियस कोशिकाओं की पतली परत होती है जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, जनन एपिथिलियम कहते हैं। इसकी कोशिकाएं विभाजित होकर फोलिकल तथा अंडा बनाती है, और अंडाशय की गुहा में संयोजी उत्तक होते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। प्रत्येक फोलिकल में 1 जनन कोशिकाएं होती हैं जिसके चारों ओर स्ट्रोमा की कोशिकाएं रहती हैं,
अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जनन कोशिकाएं अंडे का निर्माण करती हैं। ओस्ट्रोजीन तथा प्रोजिस्ट्रान नामक दो हार्मोन अंडाशय द्वारा स्रावित होते हैं जो मादा में प्रजनन संबंधित विभिन्न क्रियाओं को क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। दूसरा आता है इसमें फेलोपियन नलिका। फेलोपियन नलिका क्या होता है कि यह रचना में नलिका समान होती है, इसका एक सिरा गर्भाशय से जुड़ा रहता है और दूसरा सिरा अंडाशय के पास खुलता रहता है। इनके सिरे पर झालदार रचना होती है जिसे हम लोग क्या फिब्री कहते हैं। अंडाशय से जब अंडा निकलता है तो फिब्री की संकुचन क्रिया के कारण फेलोपियन नलिका में आ जाता है और यहां से गर्भाशय की ओर बढ़ता है। अंड निषेचन फेलोपियन नलिका में ही होता है, यदि अंडे का निषेचन नहीं होता यह गर्भाशय से होकर योनि में और ऋतुस्राव के समय योनि से बाहर निकल जाता है। इसके बाद चित्र देख लो, यह आपका अंडवाहिनी आता है, ये फेलोपियन ट्यूब है आप लोगों का जो कि अंडाशय इसमें होता है, यह वाला भाग गर्भाशय है, ग्रीवा कहलाता है, योनि कहलाता है। ठीक है, मैं छोटा कर देता हूं ताकि पूरा दिख पाए, दिख गया, यही संरचना आप लोगों को बनाना है। क्या है देखो चित्र, मानव मादा जनन तंत्र है। ठीक है, इसके बाद तीसरा भाग आता है गर्भाशय, जो कि यह वाला भाग है, यह वाला भाग, ये जो दिखाई दे रहा है यह गर्भाशय का पार्ट है। तो गर्भाशय हेडिंग लिखो इसमें, यह मूत्राशय तथा मलाशय के बीच स्थित एक मांसल रचना है। फेलोपियन नलिकाएं इसके दोनों और ऊपर के भागों में खुलती हैं। गर्भाशय का निचला सिरा कम चौड़ा होता है और योनि में खुलता है। गर्भाशय के अंदर की दीवार एंड्रोमेट्रिय की बनी होती है। गर्भाशय का मुख्य कार्य जो होता है निषेचन, अंडे को क्या करता है, परिवर्धन काल में जब तक कि गर्भ विकसित होकर शिशु के रूप में जन्म न ले ले, आश्रय तथा भोजन का क्या करता है, प्रदान करता है। फिर चौथा होता है योनि उसका। ठीक है, यह वाला इसमें लिखेंगे कि यह मांसल नलिका समान रचना है, इसका पिछला भाग गर्भाशय के ग्रीवा में खुलता है और मादा में मूत्र निष्कासन के लिए अलग छिद्र होता है जो योनि में खुलता है। और लास्ट भाग है भग, योनि बाहर की ओर एक सुराख से खुलती है जिसे हम लोग भग कहते हैं। बात खत्म, पूरा बता दिया। और देखो साथ ही साथ इंटरेस्टिंग है, मैं होमवर्क आप लोगों को देता हूँ, इन दोनों में से कोई एक ही प्रश्न करना है, जो कि मैं इसका आंसर ऑलरेडी बता चुका हूँ। अथवा करके एक दिया है कि प्राकृतिक संसाधनों के संपोषित प्रबंधन पर एक निबंध लिखिए, ये आप लोगों के होमवर्क, होमवर्क भी जरूरी है, नहीं तो आप लोग लापरवाह हो जाओगे। तो ये होमवर्क आप लोगों के लिए, इसको अपने किताब से छाट कर लिख लेना,